सो गाइस, जियो की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है, इमरजेंसी लोन डेटा। अगर आप एक जियो के यूजर हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप नेट पैक चलाते हैं और आपका डेटा ख़त्म हो जाता है तो आपको यहां पर 1 GB करके डेटा देगा लोन में। 5 GB तक डेटा आपको लोन में देगा। अगर आपका डेटा ख़त्म हो जाता है यूज करते करते तो आपको यहाँ पर 5 GB तक का डेटा देगा, और 1 GB डेटा का प्राइस जो लेगा वो 11 रुपया। यहाँ पर लोन में आपको दे रहा तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, आप जब चाहे इसे पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 GB डेटा देगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको मिलेगा, अगर आपके पास जियो फोन है तो आपको फिर नहीं मिलेगा। तो सारी जानकारी डिटेल में देंगे, इसे कैसे लेंगे और किन किन को मिलेगा और इसे रिपेमेंट कैसे करेंगे, तो इसके कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका पहले से माई जियो एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसे अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर डाल के इसे लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर ऊपर में क्लिक करना है, उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इमरजेंसी डेटा लोन न्यू, तो इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको डेटा लोन में लेना है तो। तो उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिचार्ज नाउ पे लेटर। आपको बोल रहा है यहाँ पर आप रिचार्ज पहले कीजिए अभी और बाद में इसे पेमेंट कीजिए, मतलब आप इमरजेंसी में डेटा को लोन में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका 5 वाउचर मिलेगा, मतलब 5 बार आप 1 GB करके डेटा ले सकते हैं, और 1 GB डेटा का प्राइस जो पड़ेगा वो 11 रुपया पड़ेगा, मतलब 1 वाउचर का दाम आपको 11 रुपया पड़ेगा। तो आपको अगर लोन में लेना है डेटा, अगर आपका ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस डेटा को आप तभी लोन में ले सकते हैं जब आपका पैक, मतलब आपके मोबाइल पर डाला हुआ है ऑलरेडी पहले से, अनलिमिटेड वाला पैक अगर आपके मोबाइल पर डाला हुआ है तभी आप इस पैक को ले सकते हैं 1 GB वाला डेटा। अगर आपके मोबाइल पर अनलिमिटेड वाला पैक डाला हुआ नहीं रहता तो फिर आप इसे नहीं ले सकते। और इसका जो वैलिडिटी रहेगा 1 GB लोन वाला डेटा का जो वैलिडिटी रहेगा, जो आपका अनलिमिटेड पैक डाला हुआ है वो जितने दिन के लिए वैलिडिटी है उतना दिन तक ही आपका ये 1 GB डेटा रहेगा। अगर वो कल ही अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है अनलिमिटेड वाला, तो ये डेटा जो है आपका जो 1 GB अगर लोन में लेते हैं तो वो आपका कल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उसे आप ख़त्म कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वैलिडिटी रहेगा उसका जो वैलिडिटी रहेगा अनलिमिटेड पैक का, वही वैलिडिटी आपका लोन वाला डेटा का भी रहेगा। तो इस डेटा को आप 1 GB करके 5 बार ले सकते हैं और 1 GB डेटा का दाम आपको 11 रुपया पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये अपडेट काफ़ी अच्छा अपडेट है, क्योंकि अगर आपका इमरजेंसी में डेटा ख़त्म हो जाता है तो आपको रिचार्ज कराने के लिए किसी रिटेलर के पास जाना पड़ता है, तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए इमरजेंसी में आप ले सकते हैं और इसे बाद में पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन के मदद से। तो इस डेटा को लेने के लिए आपको गेट इमरजेंसी डेटा पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इमरजेंसी डेटा बेनिफिट और यहाँ पर 1 GB डेटा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ एक्टिव नाउ पर क्लिक करना है। एक्टिव नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका 1 GB डेटा सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा इमरजेंसी डेटा लोन एक्टिवेट हो चुका है 1 GB डेटा, और मेरे मोबाइल में भी मैसेज आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली 1 GB डेटा लोन में ले चुके हैं, आपका इस तरह का मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपके मोबाइल पर एक और इस तरह का मैसेज आएगा। उसके बाद आप अगर इमरजेंसी लोन डेटा को चेक करना चाहते हैं कि एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको माय प्लान पर क्लिक करना है। तो आपके इस नंबर पर जो भी प्लान चल रहा है सभी आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल पर 98 रुपया का प्लान चल रहा और 1 GB डेटा अभी क्रेडिट किए, तो यहाँ पर आप क्रेडिट डेट और टाइम भी देख सकते हैं, मेरा मोबाइल पर 1 GB डेटा क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद आप जो अभी डेटा लोन में लिए हैं उसको तो आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इमरजेंसी डेटा लोन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, और कुछ देर पहले यहाँ 5 क्वांटिटी शो हो रहा था लेकिन हम अभी 1 क्वांटिटी एक्टिवेट कर लिए हैं अपने मोबाइल पर, तो यहाँ पर 4 क्वांटिटी शो हो रहा, तो अभी भी हम इस 4 क्वांटिटी को अपने मोबाइल पर एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब 4 GB डेटा अभी भी एक्टिवेट हम कर सकते हैं। चार मतलब टोटल 5 GB डेटा एक्टिवेट होने के बाद आप जब तक इस लोन को आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपका फिर से यहाँ पर शो नहीं होगा, फिर आप पेमेंट कर देंगे। जैसे हम एगो अभी लिए हैं, अगर इसको हम पेमेंट कर देते हैं फिर से यहाँ पर 5 क्वांटिटी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर ड्यू पर क्लिक करना है,
उसके बाद आपको यहाँ से आपको पेमेंट कर देना होगा ऑनलाइन के मदद से ही। तो यहाँ पर आपका सभी पेमेंट मेथड शो होगा, जो भी आपके मोबाइल पर UPI है सभी यहाँ पर आपका शो होगा। अगर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप जिस भी के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी डेटा लोन आपको जियो फोन वाले को यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो स्मार्टफोन यूजर है उन्हीं लोगों को ये मिलेगा, और ये प्रीपेड यूजर के लिए है, ये पोस्टपेड यूजर के लिए नहीं है। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।